जवान, गरम और जोशीले खून को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, नहीं तो अंजाम बद से बदतर हो सकता है। अगर इस धरती पर इंसान का वास है तो भूत प्रेतों की भी मौजूदगी है। भूत प्रेत कोई तमाशा नहीं है कि जिसे देखने की कोई इच्छा रखे और उसे रिसर्च करने के लिए उसके पीछे हो ले। चलो मान लिया, उसको अगर ढूंढ भी लिया तो उससे निपटेंगे कैसे? बहुत सारे लोग ऐसी ही गलती करते हैं। विक्की ने भी ठीक इसी तरह की भयंकर भूल की, जिसका हर जाना उसको बहुत बड़ी कीमत चुकाकर भरना पड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का आपके मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा रोहतक का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 17 साल की है। उसका नाम आशु है। आशु ना अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रहता भी है। वहाँ पर उसकी दोस्ती विक्की से होती है। एक बार गर्मी की छुट्टियाँ होती है तो आशु ना अपने मम्मी डैडी को मिलने के लिए रोहतक आता है। विक्की भी उसके साथ आता है क्योंकि विक्की को ना घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। एक बार ना ये गली में टहल रहे होते हैं तो आशु ना विक्की को बताता है, ये जो तू टूटी फूटी खंडर जैसी हवेली देख रहा है ना, ये जो हवेली है ना, ये बहुत ही भयंकर भूतिया हवेली है। यहाँ पर ना बहुत ही बुरी बुरी आवाजें आती हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आवाजें सुनी हैं। तुझे मालूम है, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारी बॉल ना एक बार इस हवेली के अंदर चली गई। तो मेरा एक दोस्त उस बॉल को लेने के लिए गया, लेकिन वो ना काफी टाइम बाहर आया ही नहीं। तो हम सब ने देखा कि वो क्या कर रहा है, इतना टाइम आया ही नहीं। तो हम सब ने दूर से देखा, वो ना हवेली के अंदर अजीब सा ऐसे करके तड़प रहा है। उसके मुंह से झाग निकल रही थी, उसकी जो आंखें थी ना पूरी सफेद पड़ गई थी। तो हम सब ने अपने अपने परिवार वालों को बता दिया। तो हमारे मम्मी डैडी फटाफट उस हवेली के अंदर गए तो हमारे दोस्त को बाहर लेकर आए। तो उसके अंदर ना भूत आ गई थी। तो विक्की हंस के बोलता, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, भूत प्रेत कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, और अगर है भी ना तो मुझे तो भाई बहुत शौक है, मुझे ना बहुत शौक है भूत प्रेत देखने का, लेकिन आज तक मुझे कोई भूत प्रेत दिखा ही नहीं है। चल हम लोग इस हवेली के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आशु बोलता है, पागल हो गया क्या, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो उस दिन के बाद ना इस हवेली के अंदर कभी गया ही नहीं हूं, जब से मेरे दोस्त के साथ ये हादसा हुआ है। तो विक्की बोलता है, अरे यार मुझे देखना है, चल ना प्लीज मेरी खातिर चलना। तो आशु बोलता, नहीं नहीं नहीं, ना तो मैं जाऊंगा ना ही तुझे जाने दूंगा। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो मेरे पापा हम दोनों को बहुत डांटेंगे। ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन विक्की के दिमाग में ना कंटिन्यू उस जगह के बारे में बसता रहता है कि मुझे उस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना, कैसे जाऊं। अब वो सोचता है कि रात के टाइम पर जाऊंगा जब सब लोग सो जाते हैं। रात के टाइम पर ना सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। अभी विक्की आशु को बोलता है, देख यार आज ना मुझे टेरिस पे सोना है, मुझे खुली हवा में सोना है, मैं रूम में नहीं सोऊंगा। तो आशु बोलता है, ठीक है सो जाना। अब विक्की टेरिस पे आता है, लेकिन उसके अंदर उस हवेली के अंदर जाने की इच्छा रहती है कि मैं कब जाऊं कब जाऊं, सब लोग सो जाएं अच्छे से, गहरी नींद में सो जाएंगे ना तो मैं तब जाऊंगा। लगभग ना 3 बजे का टाइम होता है, क्योंकि विक्की ने सुना होता है कि इस टाइम पर ना भूत प्रेत अपने फुल फोर्स में होते हैं। तो वो क्या करता है, 3 बजे टेरिस से कूदता है और घर से बाहर जाता है और फटाफट उस हवेली के अंदर जाता है। अब जैसे ही उस हवेली के अंदर ये ना मेन डोर खुलने वाला होता है तो इसको एक आवाज़ सुनाई देती है, ये फट से अपने कान की बाएं ओर देखता है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ये खुश हो जाता है कि हाँ कुछ तो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी ना ये दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है ये ना अपने साथ बहुत सारी कैंडल्स लेके गया होता है, माचिस और कैंडल लेके गया होता है, क्योंकि इसको पता है कि हवेली में अभी लाइट तो होगी नहीं, रात का टाइम है, ये हवेली काफ़ी टाइम से बंद है। तो ये ना अलग अलग जगह पर कैंडल ऑन करके रख देता है। अब ये ना हवेली के चारों ओर देख रहा है, चारों ओर देखते देखते ना इसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है। तो सीढ़ियों के बीच में ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसके खुले बाल हैं, उसकी उम्र भी लगभग 17 साल की ही होगी। हाँ बहुत ही उसने आकर्षित कपड़े पहने हुए हैं, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ना वो विक्की की और ऐसे इशारा करके विक्की को बुलाती है और विक्की भी कंटिन्यू बिना आँख झपके ना उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा है। वो लड़की धीरे धीरे ना एक रूम में जाती है और विक्की भी उसके पीछे पीछे उसी रूम में जाता है। अब जैसे ही विक्की रूम में एंटर किया ना तो विक्की ये देखकर एकदम चौंक गया। वो जो लड़की है ना कंटिन्यू अपनी गर्दन ऐसे गोल 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 घुमा रही है,
विकी जोर से चीखता है और फटाफट नीचे सीढ़ियों से आ रहा है। फट वो ना चीखते चीखते नीचे आ रहा है तो सीढ़ियों के बीच आके एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने ना एक बहुत ही भयानक आदमी होता है खड़ा हुआ, जिसके बड़े बड़े सिंग हैं, लाल लाल आंखें हैं, और वो जो आदमी है एकदम हट्टा कट्टा डरावना आदमी है। ये देखकर विक्की को समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। विक्की के ना मुंह के ऊपर धार देने एक बॉल गिरती है। जैसे वो देखता है कि बॉल जिस डायरेक्शन से आती है ना, उस डायरेक्शन में विक्की देखता है तो वहाँ पर उसको एक बच्चे का भूत दिखाई देता है, जो कि जोर जोर से विक्की के पास आ रहा है हंसता हुआ। सीधा वो हवा में उड़ता हुआ विक्की के पास आ रहा है। विक्की चीखना स्टार्ट कर देता है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि सामने की ओर से भी वो आदमी विक्की की ओर आ रहा है, और राइट ओर से बच्चा भी उड़ के विक्की की ओर आ रहा है, और पीछे सीढ़ियों की ओर से भी वो जो लड़की है विक्की की ओर आ रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो अपनी आंखें बंद करता है और बस चीखता रहता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो विक्की को ना आवाज़ सुनाई देती है लोगों के हंसने की, बहुत भयंकर भयंकर उसको आवाज़ ड्रावनी भी सुनाई दे रही है। वो अपनी आंख खोल के देखता है ना, तो ये सब लोग ना एक गोल सर्कल में ऐसे 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 गोल 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 घूम रहे हैं। अब विक्की क्या करता है, उस सर्कल में से जंप मारता है सीधा और फटाफट भागकर दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है, खिड़की भी नहीं खुल रही है। विक्की को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, वो चीख रहा है, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब विक्की देख रहा है ये ना सब लोग एकदम चुपचाप इसकी ओर आ रहे हैं और गुस्से में इसको घूरते हुए इसकी ओर आ रहे हैं। जैसे इसकी ओर आए ना, इसके फेस पर आए, तो सब लोग जोर से चीखते करके चीखते हैं। विक्की ना वहीं पर धार देने बेहोश होकर गिर जाता है। अब सुबह के 7 बजते हैं, तो आशु सोचता है कि ऐसा करता हूँ, विक्की को जाकर उठा देता हूँ, हम लोग सुबह सैर के लिए निकलते हैं। वो टेरिस पर आके देखता तो वहाँ पर विक्की होता ही नहीं है। फिर घर में भी चारों ओर घूम के देखता है, वहाँ पर भी उसको विक्की नजर नहीं आता है। वो विक्की को फोन भी करता है, लेकिन विक्की का फोन ना स्विच ऑफ आता है। अब आशु को अंदाजा हो जाता है कि हो ना हो पक्का विक्की उसी डरावनी हवेली के अंदर गया है। आशु ना ये बात अपने पापा को बताता है, तो उसके पापा और कुछ पड़ोसी ना उस हवेली के अंदर जाते हैं। जब अंदर गए तो वो देखते हैं कि वहाँ पर विक्की बेहोश पड़ा है। वो फटाफट उस चारपाई पर ना विक्की को डालते हैं और उस हवेली से बाहर आते हैं, क्योंकि उस हवेली के अंदर कोई भी ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहता था। उसको आशु के घर पर लाया जाता है, उसके मुंह पर पानी वगैरह डाला जाता है, उसको होश में लाया जाता है। तो होश में आने के बाद ना विक्की सारी घटना बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने वहाँ पर भूतों को देखा। तो आशु उसको डांटता है और बोलता है कि जब मैंने तुझे मना किया था कि उस हवेली में नहीं जाना है, उस हवेली के जितने भी लोग थे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और आज भी उन लोगों की आत्मा इस हवेली में घूमती है, तो तू उस हवेली में गया क्यों? तो आशु के पापा बोलते हैं विक्की को कि बेटा अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तेरे मम्मी डैडी को क्या मुंह दिखाते? तो विक्की बोलता है सॉरी अंकल जी, मेरे से गलती होगी, और वो अपने दोस्त को भी सॉरी बोलता है। तो उसके आशु के जो पापा होते हैं ना, आशु को सीधा बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ना कभी भी किसी अपने दोस्त को आज के बाद घर पर नहीं लाना, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना। अगर इसको कुछ हो जाता तो हम इसके मम्मी डैडी को क्या बोलते, हाँ? जब तूने इसको मना किया था और फिर भी ये उस हवेली में गया, पहली बात तो तुझे ये हवेली की जानकारी इसको देनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, तू इस हवेली में गया क्यों? तुझे भूत प्रेत देखने का इतना ही शौक था बेटा, तो अब हमारे घर पर नहीं देखना चाहिए था। आज के बाद तू हमारे घर पर कभी मत आना। तो वो बोलता ठीक है अंकल जी, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, इस किस्से का ना विक्की के ऊपर इतना गहरा असर पड़ा कि विक्की अकेला ना ही तो कभी लिफ्ट में जाता है, ना ही कभी रूम में रहता है, वो किसी भी जगह अकेला नहीं रहता है, उसको बहुत डर लगता है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आशु के डैडी ने जो बोला ना एकदम सही बोला कि किसी के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, और वैसे भी आशु को ऐसी जगह के बारे में बताना नहीं चाहिए था। इस किस्से से मैंने भी एक सबक लिया है। दोस्तों, मैंने बहुत बार अपनी कहानियों में ना आपको एकदम सही जगह बताई है कि यहाँ पर इस जगह पर ऐसे ऐसे भूत रहते हैं, तो इस कहानी से मैंने भी ये सीख ली है कि मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं बतानी चाहिए थी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।